शाहीर सिद्दीकी साहब इसम व मुसम्मा शहीर मशहूर है। डॉ मोहम्मद शाहीर सिद्दीकी साहब एक माहिर मायानाज शख्सियत दानिश्वर उस्ताद की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। इस वक्त आप एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से शोभा तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपने 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत में मास्टर डिग्रियाँ हासिल की हैं। अप्लाइड एंड रीजनल इकोनॉमिक्स में भी किया है, इंग्लिश लिटरेचर में किया है, फिलासफी में भी किया है आपने। तो आपके दर्स व तदरीस के मखसूस मैदान कुछ इस तरह हैं: फिलासफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो कि काफ़ी मुफीद साबित होगा आप सबके लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो ये आपके मखसूस मजामीन हैं। आपने इसके अलावा आपने NCRT भुवनेश्वर, IPS अकेडमी हैदराबाद में अपने मुफीद लेक्चर पेश किए हैं। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो शिमला में, इसमें भी आपने अपने मकाले पेश किए हैं। अब तक आपके 17 तहकीकी मकाले, 14 दीगर मकाले अवाब की सूरत में तरतीब शुदा हैं, किताबों की शक्ल में शाये हो चुके हैं। आपके सुपरविजन में 4 तालिब इल्मों ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किया है। सो आपने जो है अवामी सतह पर लोगों को आपके ख़ास राबिता मसलन एमएड बीएड ये आपके खुसूसी मौज़ूआत खुसूसी मैदान है। तो आप जो है ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपके लेक्चर ही से आपकी शख्सियत का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जो है ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आप ख़वातीन हज़रात से आपका ज़्यादा वक्त ना लेकर डॉक्टर मोहम्मद शाहीर सिद्दीकी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने पुरमग़ज़ खिताब से हमें नवाजें। आपका मौजू है ज़बान की महारतें यानी बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स LSRW जो कि आप जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है। आपसे गुजारिश है प्रोफेसर साहब कि आप हमें अपने तफीज़ फरमाएँ और अदबन आपसे गुजारिश है कि जो है आप माज़रत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भाई वक्त का जो है ख़ास ख्याल रखा जाएगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब इस तारुफ के लिए। हालांकि मैं इसका मुस्तहक तो नहीं हूँ लेकिन आपकी मोहब्बत है सर आँखों पर, जज़ाकल्लाह। और मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया आपने। तो मैं बगैर वक्त को बर्बाद किए अपनी बात शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। जैसा कि अभी सलीम साहब ने बताया कि आज का जो मौजू है बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स LSRW या इसको बुनियादी लसानी महारत या ज़बानी महारत या किसी भी अल्फाज से आप इसको तशरीह कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि स्लाइड्स जो हैं मैंने कोशिश की है हरचंद की जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर मैंने उसका उर्दू तर्जुमा भी किया है। चूँकि अंग्रेज़ी एक ऐसी ज़बान है के जिसमें बहुत सारे जो वर्ड्स हैं वो उसको उर्दू में तर्जुमा अगर नहीं मिलता है तो उर्दू की एक खासियत ये भी है कि उसको एज इट इज़ लिखा जा सकता है। जैसे मैकेनिक्स है, तो अगर मैकेनिक्स के लिए उर्दू में कोई लफ्ज़ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मैकेनिक्स ही लिख सकते हैं। तो ये एक ख़ास जो है वो खसूसियात में शामिल है उर्दू ज़बान की। तो इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। और चूंकि मुझे टॉपिक दिया गया है LSRW जो कि बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं। पहले एक चीज़ मैं वाजे कर दूं कि एक होती है लिंग्विस्टिक स्किल्स और एक होती है लैंग्वेज स्किल्स। तो जब हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक एक ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ा हिस्सा इसमें आ जाता है जिसमें ज़बान की और दूसरी खसूसियात भी शामिल हो जाती है, जिसमें तलफ़ुज़ भी होता है, जिसमें अदायगी भी होती है किसी अल्फाज की या किसी जुमले की, और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि अल्फाज को जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। या किसी लफ्ज को किस मौके पर यूज करना है, इस्तेमाल करना है, जिसे कॉन्टेक्चुअलाइजेशन कहते हैं, कि कहाँ पर बोलना है। एक छोटी सी मिसाल देकर शायद ये बात मैं समझा पाऊँ अपनी। आप सबने शायद क्लास 10th में या 9th में एक कहानी पढ़ी होगी प्रेमचंद की, उसका नाम था मंत्र कहानी थी। और उसमें एक डॉक्टर चड्ढा होते हैं, उनका एक बेटा होता है जिसको सांप ने काट लिया होता है। तो उस कहानी के अंदर, मैं पूरी कहानी में नहीं जाऊंगा, एक ही अल्फाज को दो बार इस्तेमाल किया गया है। पहली बार में डॉक्टर चड्ढा का जो है वो लड़का दूसरी बार में सांप से काट लिया होता है उसको, और वो बड़े परेशान होते हैं कि कोई सांप का जहर उतारने वाला मिल जाए। अब जो ये सांप का जहर उतारने वाला होता है, तकरीबन 20 साल पहले इसका एक बच्चा बीमार होता है और ये उसी डॉक्टर चड्ढा के पास जाता है और वो अपने बच्चे के लिए उनसे कहता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा जो है वो गोल खेलने जा रहे होते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता है कि किसी गरीब के इलाज के लिए वो अपने खेल का जो वक्त है उसको ज़ाया करें। तो लिहाजा वो मना कर देते हैं और वो बेचारा गरीब जो है बड़ी मन्नतें करता है। तो वहाँ पर वो अपनी बीवी को समझाता है, तसल्ली दे रहा होता है कि तुम परेशान मत हो, भगवान बड़ा कारसाज है। ये जुमला है जो उसने इस्तेमाल किया, भगवान बड़ा कारसाज है, यानी अब डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं है, उन्होंने मना कर दिया, तो अब जो कुछ है वो भगवान के हाथ में है। तो ये जुमला प्रेमचंद ने ऐसे ही इस्तेमाल किया। अब यहाँ का जो मायना है आप समझ सकते हैं कि वो किस मायूसी के साथ आखिरी उसकी मंजिल जो है वो सिर्फ खुदा पर है, उस पर तवक्कुल है, उस पर भरोसा है। अब 20 साल के बाद सीन चेंज हो जाता है और डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट दिया है और अब वो तलाश कर रहे हैं कि सारी दवाएं बेअसर हो जाती हैं, फिर वो तलाश कर रहे हैं कि कोई सांप उतारने वाला मिल जाए, उसका जहर उतारने वाला। गांव वगैरह में अक्सर ऐसा ही होता है। तो वो बूढ़े को कहीं से पता लगता है, वो बुढ़ा हो चुका है, उसका बेटा मर जाता है 20 साल पहले, इलाज नहीं मिल पाता इस वजह से। तो उसे कहीं से मालूम होता है कि शहर में एक डॉक्टर है, तो वो दौड़ता भागता, चूंकि वो अपने फर्ज से मजबूर होता है, वो अपना फर्ज निभाता है, वो दौड़ता भागता पहुंचता है, पहचान जाता है कि ये तो वही डॉक्टर है जिन्होंने 20 साल पहले मेरे बेटे को देखने से इनकार कर दिया था। तो अब वो जब देखता है, अंदर जाता है और वो देखता है कि उसका बेटा जो है डॉक्टर चड्ढा का बिल्कुल एक मरने वाला है और अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो कहता है कि आप परेशान ना हो और मैं इसका इलाज उतार दूंगा। डॉक्टर को नहीं पहचान पाता है। तो अब यहाँ पर देखिए दोबारा वही जो बूढ़ा, जो ज़ईफ शख्स है, वो कहता है भगवान बड़ा कारसाज है। अब ये दूसरा जुमला 20 साल के बाद बोला गया और यही जुमला 20 साल पहले बोला गया था, लेकिन इन दोनों में कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस है। सीन चेंज हो जाता है, वक्त बदल जाता है और जो कहानी का एक रिदम है वो बदल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन जबान में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम लिंग्विस्टिक स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें कॉन्टेक्स्ट भी आ जाता है, और जब हम लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं तो सिर्फ महारत के मसले पर बात करते हैं। तो अब मैं अपनी बात पर आगे बढ़ता हूँ। देखिए, ये तो खैर तारुफ हो गया, सलीम साहब ने बहुत अच्छी तारुफ कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ कि जबान की जो महारत है वो है क्या। व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज अंग्रेजी में अगर इस बात को कहा जाए तो सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड सिंबल्स है। सिस्टम्स ऑफ साउंड एंड सिंबल्स। जो कुछ भी हम लिखते हैं, जो अल्फाज में बयान करते हैं, जो जुमलों में बयान करते हैं या जो हरूफ में बयान करते हैं, ये असल में हरूफ क्या है। जैसे जो बात, अगर आप नीचे देखिए उर्दू स्क्रिप्ट लिखी हुई है, असल में ये पर्शियन स्क्रिप्ट है। जब आप एक ही बात को दाहिने हाथ से लिखना शुरू करते हैं और उसकी लकीरें कुछ अलग हो जाती हैं तो वो उर्दू, पर्शियन या अरबी बन जाती है। उसी बात को आप बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देते हैं तो वो हिंदी या अंग्रेजी बन जाती है या दीगर जबानें हैं हिंदुस्तान की, वो बन जाती हैं। तो ये राही मासूम रजा ने एक बहुत अच्छा जुमला लिखा है, अपनी एक किताब है टोपी शुक्ला, राही मासूम रजा की, उसमें अगर आप पढ़ें उसको, बड़ा दिलचस्प नॉवेल है, वो छोटा सा है, नॉवलेट है। तो वो उसमें एक बात लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी असल में एक ही है, जिसको पहले हिंदुस्तानी कहा जाता था, अब तो ये लफ्ज़ सुनने में आता ही नहीं है कहीं पर। तो वो कहते हैं कि रोशनाई की लकीरों ने हमें एक दूसरे से अलग कर दिया है, अदरवाइज जब तक आप बोलते हैं तो कोई ये पहचान नहीं सकता कि आप हिंदी बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं। और जैसे ही आप उसको लिखेंगे, जैसे ही आप उसको कलमबंद करेंगे, और तहरीरी शक्ल में आप ले आएंगे, उसका मुजाहरा करते ही ये वाज़े हो जाएगा कि ये हिंदी है या उर्दू है। तो ये जबाने जो हैं वो जब तक स्क्रिप्ट की फॉर्म में ना लाई जाए तब तक उनका अंदाजा नहीं हो सकता। तो ये जो लैंग्वेज है दरअसल में ये साउंड्स हैं और सिंबल्स हैं। तो साउंड्स तो ये हैं कि जैसे आपने कोई बात कही, प्लीज आपसे दरख्वास्त है कि हम लोग माइक को अपने म्यूट रखें तो डिस्टर्बेंस कम होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जब आप किसी बात को बोलते हैं तो उसमें साउंड का इस्तेमाल होता है, आवाज का इस्तेमाल होता है। कि जैसे मैंने बोला पानी, तो मैंने एक आवाज निकाली पा और मैंने एक आवाज निकाली ना, और फिर उसको मैंने एक डायरेक्शन दे दिया नी। पा में मैंने आ बोल दिया और ना में मैंने ई लगा दिया। तो ये जो आ और ई लगाया है मैंने, अंग्रेजी में इसको वॉवेल्स कहते हैं, हिंदी में इसी को मात्राएं कहते हैं, या अरबी की अगर बात करें तो ये अलामत कहलाती है। उर्दू में भी आप कह सकते हैं उसको, हालांकि उर्दू में तो जबर और जेर और तशदीद ये चीजें दिखाई नहीं देती हैं, हम लिख कर ही समझ जाते हैं कि क्या चीज। अब जैसे यहाँ पर लिखा है तहरीर, तो इसमें ता के ऊपर जबर और रा के नीचे या के नीचे जेर लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप इसी लफ्ज को अरबी में लिखेंगे तो अरबी में आपको वो अलामत दिखाना पड़ेगी कि किसको कितना खींचना है। तो वहीं से फिर कवायद और तजवीद वो एक अलग बहस है, वो एक अलग बात है। तो ये जो वॉवेल्स हैं ये हमारी साउंड को एक डायरेक्शन देते हैं। तो जब तक ये साउंड रहती है, इस साउंड में हम जो कुछ बोलते हैं तो वो भी एक लैंग्वेज है। अब अगर साउंड को आप हटा दीजिए, जैसे मैं हाथों से बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि एक मोटा इंसान, एक पतला इंसान, तो मैंने सिर्फ अपने हाथों को छोटा किया और मैंने, आप समझ गया कि मैं पतला कहना चाह रहा हूँ, मैंने बड़ा किया, आप समझ गया कि मोटा कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरह से अगर मैं कुछ और हाथ से इशारे करूँ तो आप लोग उस बात को समझ जाएंगे बगैर मेरे किसी लफ्ज या इस्तेमाल किए बिना, विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई विश टू कन्वे। तो दैट इज आल्सो अनदर फॉर्म, वो दूसरा एक हिस्सा है जबान का, लैंग्वेज का, जिसको आप साइन लैंग्वेज भी कहते हैं। और आजकल ये बहुत पॉपुलर है, जब से टेक्नोलॉजी की दुनिया आई है। और पहले तो ये जो हमारे ब्लाइंड साथी हुआ करते थे, जो डिसेबल्ड, उनकी जो एक बसीरत होती थी किसी वजह से चली जाती थी, चाहे पैदाइशी तौर पर या किसी बीमारी के वजह से, तो उनके लिए किताबें लिखी जाती थी। लुई ब्रेल एक साहब थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसकी इजाद की थी। तो वो ब्रेल स्क्रिप्ट कह रहे हैं, उसमें एक मोटा कागज होता है, उस पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं और वो हाथ से उसको महसूस करके अंदाजा लगा देते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो ये भी एक लैंग्वेज का तरीका, एक फॉर्म है जिसको साइन लैंग्वेज आप कहते हैं। तो साइन हो गया, साउंड्स हो गया। अब तीसरी चीज है कि जब आप इसी साउंड को या इसी साइन को आप कागज के ऊपर दर्ज कर देते हैं और उसका इजहार करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये फिर सिंबल्स कहलाने लगते हैं। अब सिंबल्स जो हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। आप अगर अपनी बात किसी स्क्रिप्ट में नहीं कह सकते तो आप उसके लिए कोई इमेज बना सकते हैं, और यही वो तरीका है जो हजारों लाखों साल पहले गुफाओं में जब इंसान रहता था तो वो अपनी कोई स्क्रिप्ट नहीं थी उसके पास, कोई बोली नहीं थी, कोई भाषा, कोई जबान नहीं थी, तो वो गुफा की दीवारों के ऊपर छोटे छोटे जो है वो चित्र या पिक्चर्स बनाया करता। तो वो आगे चल करके वही एक जरिया बने के पुरानी हमारी तारीफ क्या थी और इंसान क्या करता था, क्या सोचता था। तो वो सारी चीजें तस्वीरें बना करके वो उसको एक्सप्रेस करता था, जज्बात का इजहार करता था। वक्त आगे बढ़ा और तस्वीरों की जगह फिर लकीरों ने और लाइनों ने ले ली। छोटे बच्चे को जब सिखाया जाता है, जैसे कि हम सब स्कूल में पढ़ाने का काम अगर करते हैं या घर पे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं या दूसरे लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो पहले जो हम जुमला सिखाते हैं, तो लिखना सबसे पहले जुमला नहीं आता है, अल्फाज भी नहीं आता है, सबसे पहले उसको हुरूफ लिखना सिखाया जाता है। तो अरबी में भी जब आपको मदारिस में, मुझे लगता है कि तख्ती और कलम का इस्तेमाल होता ही नहीं है, सीधे लोग कंप्यूटर पे या तो टाइप करते हैं या फिर कॉपी के ऊपर कलम से लिखते हैं। और आजकल वो जेल पेन और रोशनाई वाले पेन आते हैं, जब हम लोग पढ़ा करते थे मदरसे में तो एक तख्ती हुआ करती थी लकड़ी की, और उसको रोज पिंडोल लगा करके तख्ती को धूप में सुखाते थे, और कलम जो है वो सेंठा होता है, गांव में मिल जाता है, उसको काट करके नेजा एक तरीके से वो शार्प करके बनाते थे कलम, और उसको फिर रोशनाई की छोटी टिकिये मिला करती थी, उस टिकिये से नीली और काली रोशनाई से फिर वो डुबो करके लिखा करते थे, तो वो खुशखत कहलाती थी, उसी से कैलीग्राफी वो सब चीजें आती थी। तो अब वो चीजें नहीं रही, तो बच्चों को जब सिखाते हैं स्कूल में तो पहले आड़ी लाइन, तिरछी लाइन, सीधी लाइन, आधा गोला, पूरा गोला, इस तरह से पहले सिखाते हैं, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उनको हुरूफ बताते हैं कि अरबी पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं तो बताएंगे ये अलिफ है, ये बे है, ये ते है, ये से है। अब इसी चीज को दूसरी बात जो है कि साउंड में बदल देते हैं, तो मालूम हो जाता है कि हम कौन सी जबान बदल रहे हैं, साउंड को थोड़ा सा चेंज कर दें। जैसे जब मैं कह रहा हूँ कि अलिफ बे ते से जीम हे पे, तो आप समझ गए कि मैं उर्दू की बात कर रहा हूँ या मैं पर्शियन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कहना शुरू कर दूं कि अलिफ बा ता सा जीम हा खा, अब मैंने पे नहीं बोला और चे नहीं बोला, तो आप समझ गए कि मैं अरबी की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं अपना लहजा बदलूंगा, जैसे ही मैं अपनी साउंड बदलूंगा, आप समझ जाएंगे कि मैं कौन सी जबान बोल रहा हूँ। तो साउंड का बड़ा अहम रोल होता है। यहीं से फिर आगे चल के हम देखेंगे कि तलफ़ुज़ या प्रोनंसिएशन जो है वो यहीं से निकला है, और वो लिंग्विस्टिक का ही एक पार्ट है। तो जब तहरीर कर देते हैं, लाइनों को कुछ शक्ल दे देते हैं, तो वो फिर हुरूफ बन जाते हैं, और उसी को फिर अल्फ़ाबेट कहा जाता है या उसी को लेटर्स कहा जाता है। तो हर जबान का एक ऑर्गेनाइज्ड अल्फ़ाबेट का स्ट्रक्चर होता है, हुरूफ का स्ट्रक्चर होता है, और हर जबान में अलग अलग हुरूफ होते हैं। ये हुरूफ अलग अलग साउंड्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर अरबी की बात करें तो उसमें बहुत सारे हुरूफ नहीं, तो अब उस साउंड को एक्सप्रेस करने के लिए किसी और हुरूफ को वहां पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो दूसरी जबान का शख्स है, अब वो कैसे पहचाने, क्योंकि उसकी जबान में वो हर्फ हुरूफ है, वो हर्फ है। जैसे मैंने बोला रामपुर, तो रामपुर एक जगह है, अलीगढ़ एक जगह है, जहां पर मैं बैठा हुआ हूँ वो अलीगढ़ है, और रामपुर यूपी का ही एक जिला है, जहां पर रजा लाइब्रेरी है या नवाबों के लिए कभी वो मशहूर था। तो अब ये दो लफ्ज जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये उर्दू में तो आप लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन जब आप अरबी की बात करेंगे तो इसमें रामपुर नहीं लिखा जा सकता, अलीगढ़ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि जो रे है और पे है वो अरबी में नहीं है। तो अब मसला खड़ा हो गया कि क्या करें। तो वो लोग जब लिखेंगे तो अलीजर लिखेंगे, अलीजर लिखेंगे, या रामपुर लिखेंगे, फा के ऊपर नुक्ते वाला फा, रामपुर। तो अब अगर आपने उर्दू पढ़ी है और अरबिक में आप जा रहे हैं उससे, तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये रामपुर ही है, लेकिन अरबिक में चूंकि वो हर्फ नहीं है, इसलिए उसको लिखने का तरीका अलग है। इसी तरह से हिंदी में बहुत सारे ऐसे हुर्फ हैं कि जो उर्दू में बोले जाते हैं लेकिन हिंदी में नहीं है, तो वहाँ पर तलफ़ुज़ की वजह से वो चीज़ें ऐसा लगता है कि भाई जो सामने बोल रहा है उसको ज़बान आती नहीं है, या इसकी या हम कहते हैं कि कच्ची ज़बान है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मजबूत, मजबूत, मजबूती से पकड़ना, तो अब ये उर्दू वाला अगर कोई बोलेगा तो वो गलत कहलाएगा, लेकिन हिंदी वाला अगर कोई बोल रहा है तो वो ठीक है भाई, जबान में जो है वो जैसे जीम का जो तलफ़ुज़ है और जे का जो तलफ़ुज़ है, वो वहाँ पर जे नहीं है, वहाँ पर जा है। तो अब हिंदी में उर्दू के तलफ़ुज़ को काम चलाने के लिए एक और भी ईजाद की गई 19वीं सेंचुरी के बाद, कि जब हिंदुस्तानी जबान बनी और उसमें उर्दू और पर्शियन और उसके अल्फाज और सब मिक्स किए गए, तो एक तरीका ये निकाला गया कि भाई उर्दू का तलफ़ुज़ हिंदी जबान में अगर बोला जाए तो कैसे हो, तो एक बिंदी की ईजाद की गई। अगर आप किसी लफ्ज़ के नीचे बिंदी लगा दीजिए तो वो उर्दू का तलफ़ुज़ आ जाएगा। तो अगर हिंदी में जा को जा बोलना है तो जा के नीचे एक छोटी सी बिंदी लगा दी जाती है। जैसे का बोलना है और काफ की आवाज़ निकालना है, जैसे आप कहते हैं कि कौमी या कौम, तो हिंदी में जब आप लिखेंगे तो का के नीचे एक छोटी सी नुक्ता या छोटी सी बिंदी लगा देंगे। तो ये बहरहाल लैंग्वेज की बारीकियां हैं। ये चूंकि अभी इस वक्त इतना वक्त नहीं है कि मैं इन पर ज्यादा गौर करूं, मैं सिर्फ अपनी बात आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखिए लिंग्विस्टिक के जो कंपोनेंट्स हैं, मैं अगर उनकी बात करूं क्योंकि मुझे बहुत जल्दी से खत्म करना है, तो जहां तक हो सकता है मैं कोशिश करूंगा। हालांकि LSRW पर कम से कम 4 क्लासेस तो चाहिए थे, लेकिन एक क्लास में 4 चीजें बात करना तो ये वैसे ही हुआ कि भाई मुझे 4 वक्त का खाना एक ही वक्त में खाना है, कोशिश करता हूँ। तो लिंग्विस्टिक्स जो है असल में वो 5 चीजों का मजमुआ है। मैंने इधर उर्दू में भी लिख दिया है कि जो लोग अगर दिक्कत महसूस करें तो वो उर्दू में भी देख सकते हैं इसको। तलफ्फुज़ का मुताला, अगर हम पहली चीज है फोनोलॉजी, तो फोनोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ साउंड्स एंड रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन। किसी अल्फाज का, किसी हर्फ का या किसी जुमले को जब हम बोलते हैं, अदायगी करते हैं, तो वो कैसे बोला जाए। तो अब उसकी बारीकियां क्या होती हैं जबान की, उसका अगर मुताला किया जाए कि किसी लफ्ज का तलफ्फुज़ क्या होगा, इसकी अदायगी कैसे होगी। अच्छा, अरबी जब पढ़ते हैं मदारिस में तो पूरा मखारिज सिखाया जाता है, तजवीद सिखाई जाती है, कि अलामत सिखाई जाती है कि भाई मद लगा है तो मद मुत्तसिल है या इसको कितना खींचना है, 1 अलिफ 2 अलिफ। तो उंगलियों से बताते थे उस्ताद कि भाई आपने 1 अलिफ किया, 2 अलिफ किए, 4 अलिफ किए, तो जैसे अलिफ लाम मीम, तो अब इसमें 4 अलिफ खींचेगा। अब उसमें जैसे आलिम है या इल्म है या अलम है, तो अब अगर ये तीनों लफ्ज मैंने अलिफ से बोल दिए तो ये गलत हो गया। भाई इल्म जब मैं बोलूंगा तो अलिफ से नहीं होगा, वो इल्म होगा, ऐन से बोलूंगा, यहाँ पर आवाज आएगी। और अलम बोलूंगा तो अलम माने हो गया दर्द। जैसे अगर एक जुमला अरबी का अगर आप लें कि अल्लाह जो है वो बड़ा आलिम है, तो अगर मैंने आलिम कह दिया अलिफ से तो मायना हो जाएगा कि दर्द देने वाला, माजल्ला। अगर मैं सही अदायगी नहीं कर रहा हूं तो मायना बदल गया। अगर मैं बोलूंगा कि अल्लाह आलिम है, अल्लामुल गुयूब है, तो मैं ऐन वाला इल्म बोल रहा हूँ। और अगर मैं अलिफ वाला बोल दूं तो उसका मायना हो जाएगा दर्द देने वाला। इसी तरह से कल्ब है, तो अरबी में अगर आप छोटा काफ लिखते हैं और आपने कल्ब बोला तो कल्ब माने होता है कुत्ता, डॉग। और इसी को आप काफ से लिखेंगे अरबी में, काफ से, बड़े काफ से 2 नुक्ते, तो वो कल्ब का मायना होता है दिल। तो अगर मैं एक जुमला है कि उसमें लफ्ज इस्तेमाल कल्ब कर रहा हूं या कल्ब कर रहा हूं, तो ये आपके तलफ्फुज पर डिपेंड करता है जब तक आप बोल रहे हैं। भाई आप लिखेंगे तो बात वाजे हो जाएगी कि आप कल्ब लिख रहे हैं या कल्ब लिख रहे हैं, लेकिन जब आप बोल रहे हैं, लिसनिंग है, तो ये तलफ्फुज पे बड़ा ध्यान देना होता है। और जब हम स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं। जैसे आपने कहा कि खुदा, तो खुदा जो है वो खे से लिखा जाएगा, और आपने कह दिया खुदा, तो खुदा का मतलब हो गया जैसे जमीन में गड्ढा खोद रहे हैं, वो हो गया खुदा। काफ में जो चश्मी है मिला दी और अलिफ दाल और अलिफ लिख दिया तो हो गया खुदा। या लगा दी लटकी वाली तो खुदाई। तो खुदाई का मतलब जैसे एक वो मज़ाहिया तौर पर एक शेर लोग बोलते हैं या एक जुमला बोलते हैं कि यहाँ खुदा है, वहां खुदा है ना, यहाँ खुदा है, वहां खुदा है, और जहां नहीं खुदा है वहां कल खुदेगा। तो अब हम खुदा की बात कर रहे हैं या खुदाई की बात कर रहे हैं, तो यहाँ खुदा है, वहां खुदा है, जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा। मतलब हम जमीन में खुदाई चल रही है और हम उसकी बात कर रहे हैं, हम खुदा की, अल्लाह की या गॉड की बात नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ तलफ्फुज से मायना जो है वो बदल जाता है। इसी तरीके से नुक्ता होता है उर्दू में, तो बड़ा इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि नुक्ता अगर इधर से उधर हो जाए तो पूरा मायना ही बदल जाता है। एक शेर है उर्दू का, बड़ा मशहूर शेर है वो, कि इसी पर है कि नुक्ता चीनी जो होती है, लोग कैसे मायना बदल देते हैं उसका। और हम जब सुनते हैं और हमें सही तलफ्फुज नहीं मालूम है, या तहरीर में हम नुक्ता इधर का उधर कर दे, तो कैसे मायना बदल जाता है। आप चाहें तो इस जुमले को अपनी कॉपी पे लिख करके देखिए, तब आपको ये बात समझ में आएगी। मैंने एक जुमला बोला कि एक जरा से नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। अब आप महरम लिखिए और जो बड़ी हे होगी उसके नीचे सिर्फ एक नुक्ता लगा दीजिए, तो हो गया एक जरा से नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया। हम दुआ करते रहे, दाल ऐन अलिफ, हम दुआ करते रहे, और अब इस ऐन के ऊपर नुक्ता लगा दीजिए, वो दगा समझते रहे, हम दुआ करते रहे वो दगा समझते रहे। तो जब आपने दुआ लिखा और ऐन के ऊपर गलती से नुक्ता लग गया तो दगा हो गया। तो शेर का मायना ही बदल गया कि एक जरा से नुक्ते ने महरम से मुजरिम कर दिया, कि हम तो दोस्त थे और वो मुजरिम समझने लगे, और हम दुआ करते रहे वो समझते रहे हम दगा दे रहे हैं। तो नुक्ते का बहुत बड़ा रोल है खास करके उर्दू जबान में, और हिंदी में भी जब आप लिखते हैं और उर्दू का कोई लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो नुक्ता अगर नहीं लगाया है तो मायना बदलने के बड़े इम्कानात होते हैं। तो फोनोलॉजी है तलफ़ुज़ का मुताला, दूसरा है मॉर्फोलॉजी, यहाँ पर अल्फाज की तामीर का मुताला होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस कैसे होगा, स्टडी ऑफ द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स, कि कोई हर्फ 3-4 लेटर्स को मिला करके एक लफ्ज कैसे बनता है, और कई लफ्ज फिर अल्फाज होते हैं तो वो कैसे बनते हैं, तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। फिर आते हैं सिंटैक्स पर, यह कहलाता है कि अल्फाज और जुमलों की तामीर का मुताला, कि जब हम स्टडी करें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स और फिर उन तमाम अल्फाज को मिला करके एक सेंटेंस या एक जुमला जो बनाते हैं तो वो कैसे होगा। भाई अंग्रेजी में तो देखिए कवायद है, अंग्रेजी में तो ग्रामर है कि भाई सब्जेक्ट आएगा फिर प्रेडिकेट आएगा। अब सब्जेक्ट में भी फिर बहुत सारी चीजें होती हैं कि डिटरमिनर पहले आएगा कि एडजेक्टिव आएगा कि और क्या आएगा, और फिर हाँ सही बात है कि खुदा से जुदा हो जाएंगे एक जरा से नुक्ते की वजह से। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो चीजें इसी तरह से देखिए हम अपने आसपास से चीजें एग्जांपल्स लेते हैं। सर माजरत चाहूँगा जी, मैं खुदा लिखती रही वो जुदा समझे रहे जी, एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया जी, मैं खुदा लिखती रही जी वो जुदा समझे किए, एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया, ये भी एक शेर था। हाँ नहीं वो भी था, मैंने मिसाल के तौर पर लिया, ये भी एक शेर है मैंने मिसाल के तौर पे लिया, मैंने ये क्लेम नहीं किया कि ये शेर किसका है या क्या है, मैं उसमें नहीं गया। मैं सिर्फ आपको जो जबान में जिस तरह से तलफ़ुज़ से मायना बदल जाता है उसी तरह से उर्दू में नुक्ते से मायना बदल जाता है। अब मैं उन रेफरेंसेस की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये शेर किसका है और ये शेर का, हो सकता है मैंने मतला लिया, मतले में खाली पहली वाली लाइन ले ली, दूसरी लाइन मैंने दूसरी जोड़ दी उसमें। तो वो चीजें क्लास में हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स अभी बहुत सारे लूंगा आगे। तभी मैं रेफरेंसिंग की तरफ नहीं जा रहा हूँ, जब मैं रेफरेंसिंग की तरफ जाऊँ तब ये चीज ठीक है कि भाई मैंने इकबाल का शेर गालिब पर कहकर पढ़ दिया, या सॉरी सर ये मकसद नहीं था, सॉरी सर ये मकसद नहीं था। हाँ नहीं वो मिसाल ठीक थी, वो भी ठीक थी कि जैसे दुआ दगा हो जाती है, वैसे खुदा भी जो है कि अगर आप उसमें नुक्ता नीचे लगा दें तो वो जुदा हो गया। ये भी एक अच्छी मिसाल आपने दी और ठीक है, ये भी इसी तरह की और भी बहुत सारी मिसालें हैं जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तमसील के तौर पर किया जा सकता है इसको। फिर सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो अल्फाज और जुमलों से मुतालिक जो मानी का मुताला है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई एक अल्फाज है या एक लफ्ज है कोई, अब उसका मायना जो है वो क्या होगा। अब जैसे अलम है तो अलम का मायना हम क्या निकालें, या इल्म है या आलिम है या तबीब है तो इसका मायना हम क्या निकालें। तो शायर जब यूज करता है किसी लफ्ज को तो उसका मायना अलग होता है। तबीब का मायना आमतौर पे तो यही हुआ कि भाई जो है वो दवा देने वाला है, वो हिंदी में जैसे वैद्य कहिए या डॉक्टर कहिए वो तबीब हो गया। और जब वो महबूब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो महबूब वो है जिसे देखकर तबीयत संभल जाती है, तो महबूब भी एक तरह से तबीब हो गया, हालांकि वो प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है तो महबूब भी तबीब के रोल में आ जाता है। तो दर्द दिल की दवा अगर जो दे रहा है तो वो महबूब है, लेकिन उसे भी तबीब कहा जा सकता है। तो अब किस लफ्ज का मायना हम कहाँ पर क्या ले रहे हैं ये बड़ा अहम होता है, खास करके शायरी में। नस्र में तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब हम नज्म की तरफ या शायरी की तरफ या और तमाम उसके जो जॉनरा हैं कि चाहे वो मरसिया हो, चाहे वो और ख़ास करके नातिया कलाम वगैरह लिखने में, तो इसमें किसी लफ्ज़ का मायना जो है वो क्या होता है। अब जैसे नात में अगर आप नातिया कलाम लिख रहे हैं और वहाँ पर महबूब और मुहिब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब ये आम महबूब और आम मुहिब नहीं है। वहाँ पर अगर आप हज़रत लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हज़रत वो हज़रत नहीं है जो आप आपस में एक दूसरे को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब नातिया कलाम का जिक्र कर रहे हैं या इस्लामी तारीख का बयान कर रहे हैं, तो वहाँ पर जब हज़रत लफ्ज़ लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो या तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यूज़ किया जा रहा है या किसी सहाबी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब लफ्ज़ का जो है वो कॉन्टेक्चुअल मायना, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है कि एक ही लफ्ज़ के कई मायने हो सकते हैं, एक ही लफ्ज़ के कई मायने हो सकते हैं। शायर जो है वो कई तरीके से इस्तेमाल करता है और इसमें बहुत सारे शोरा रहे हैं उर्दू में जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अशार कहे हैं और उसमें एक ही चीज़ को कई तरीके से कहा गया, एक ही लफ्ज़ जो है वो बदल जाता है। वो बहुत सारी तमसील आप जानते हैं उन चीज़ों को। फिर ग्राफोलॉजी है और सिमांटिक्स है। तो ग्राफोलॉजी है लिखने और लिखने के निज़ाम का मुताला। तो ये लिखना जो है वो अपने आप में एक टैलेंट होता है, एक सलाहियत होती है कि हर कोई नहीं लिख सकता। लिखने का मायना सिर्फ जुमलों को या अल्फाज को कागज के ऊपर दर्ज कर देना नहीं होता है। जब आप कुछ तहरीर करते हैं, कलम बंद करते हैं, तो वो आपके जज्बात दिल तक अगर पहुंच जाएं तो वो लिखना है। अब देखिए ना, मिसाल देखिए कि जब काव्य शरीफ में जो उस जमाने के पोएट थे, दौरे इस्लाम से पहले थे, और वो काव्य शरीफ में कागज के ऊपर लिख करके अपनी अपनी तहरीर और अपनी जो तारीफ में जो वो लिखते थे अशार, उसको वो टांग दिया करते थे। तो एक दिन किसी ने देखा कि वहां पर एक 3 जो है वो जुमले लिखे हुए हैं, इन्ना आतईना कल कौसर फसली ली रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुल अबतर, ये सूरह कौसर है और इसको लिख करके टांग दिया गया वहां पर। ये कुरान की थी। तो जो एक तरीका था कि शाम को सबसे बड़ा आलिम आता था और वो देखता था, वो सब पे चेक करता था और अपनी इस्लाह करता था। तो जब उसने इस 3 उनकी नज़र में वो जुमले थे, उनकी नज़र पड़ी, तो उसने वहाँ पर तहरीर लिखी अपनी कि ये किसी बशर का कलाम हो ही नहीं सकता। तो इतना असरअंदाज होता है कि जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं और वो आम जो तहरीर है उससे अलग नजर आती है, ये डिपेंड करता है उस सलाहियत के ऊपर कि जिसको हम कहते हैं कि, और इसी सलाहियत की वजह से देखिए बड़े बड़े शोरा बनते हैं। गालिब खास करके इसी वजह से मशहूर है कि गालिब का खतूत आप देख लीजिए, वो एक नया जॉनर शुरू कर दिया खत व किताबत का। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज स्किल्स, वो तो हो गए लिंग्विस्टिक स्किल्स। ये लैंग्वेज स्किल्स है जो सिर्फ जबान से मुतालिक है, लैंग्वेज से इसका रिलेशन है। ये 2 तरह की हुई, एक ओरल मीन्स जो हम बोलते हैं और दूसरा है विजुअल मीन्स जो दिखाई भी दे सकता है। तो जब आप जबान को बोलते हैं तो वो आप सिर्फ उसमें जबान का इस्तेमाल हो रहा है, कानों का इस्तेमाल हो रहा है सुनने के लिए, जबान का इस्तेमाल बोलने के लिए। तो इसमें 2 तरह की सलाहियत है, एक है स्पीकिंग स्किल और एक है लिसनिंग। और स्पीकिंग को और लिसनिंग को फर्दर फिर डिवाइड किया गया दूसरे में। दूसरी विजुअल मीन्स है जिसको आप आंखों से देख भी सकते हैं। भाई कोई आदमी अगर बोल रहा है, कोई सुन रहा है, तो इसको आप आंखों से देख नहीं सकते, हाँ दिल से और जहन से महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब कोई लिख रहा है और जब कोई पढ़ रहा है, यानी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसको किताब को हाथ में ले सकते हैं, जो कुछ यहाँ मॉनिटर पर लिखा है उसको दिखाई दे रहा है, वो पढ़ रहे हैं। या राइटिंग है, हम जब कुछ लिख रहे हैं, कलम बंद कर रहे हैं, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। तो उसमें एक तीसरा जो अज़्व है उसका भी इस्तेमाल हो गया, वो है आंखें। जो 5 ऑर्गन्स हैं, 2 ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया, तीसरे का कर लिया आंखों का भी, तो विजुअल मीन्स हो गया। अब एक दूसरा, अब कॉलम में आ जाइए सीधे सीधे, जैसे ऊपर लिखा है प्रोडक्टिव, इधर लिखा है रिसेप्टिव। तो ये प्रोडक्टिव कोई चीज तब होती है जब आप उससे कुछ चीजों को तामीर कर रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी आपकी हो रही है। तो जब आप स्पीकिंग और राइटिंग करते हैं तो यानी आप कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, You are creating something, you are producing something. Either you are giving lecture, आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे हैं क्लास में, या आप उनको लिख करके कुछ नोट्स बना करके या ब्लैक बोर्ड राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, तो वो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, पॉइंट्स आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए और वो उन्होंने उसको इस्तेमाल कर लिया, अपने कॉपी में लिख लिया, तो यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। अब कोई स्टूडेंट अगर आपसे सवाल कर रहा है या आप अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो अब वो चीज अंदर से बाहर नहीं जा रही है, प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बल्कि बाहर से अंदर आ रही है। यानी कानों से आप सुन रहे हैं तो आवाज बाहर से अंदर जा रही है, और रीडिंग आप पढ़ रहे हैं तो आपकी आंखें उस लफ्ज को देख रही हैं और वो आपके जहन में जा रहा है, समा रहा है, तो रिसेप्टिव हो गया, यानी बाहर से अंदर जा रही है। तो लैंग्वेज के ये चार हिस्से होते हैं, इसको लैंग्वेज स्किल्स कहते हैं। एक स्पीकिंग है, एक लिसनिंग है, एक रीडिंग है और एक राइटिंग है। तो इसी को LSRW भी कहा जाता है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग एक ऐसी चीज है कि जो इंसान को कुदरती तौर पर हासिल होती है, इसमें आपको कोई एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। कि बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ अरसे के बाद वो खुद सुनना तो वो शुरू से ही स्टार्ट कर देता है और कुछ अरसे के बाद वो बोलना भी स्टार्ट कर देता है। अब बोलने का मायना ये नहीं है कि वो बड़ा होते ही फ्रेंच और अंग्रेजी और दुनिया की तमाम जबानें बोलने लगे। वो अगर आ या ऊ भी करता है तो इट मीन्स ही इज स्पीकिंग समथिंग, वो कुछ ना कुछ बोल रहा है। पहले साइन लैंग्वेज है, फिर वो इशारों से बोलता है, फिर मम्मा अब्बा और इस तरह के लफ्ज निकालता है, फिर वो धीरे धीरे वो लोगों के साथ रहते रहते कोई ना कोई जबान सीख जाता है। फ्रेंच फैमिली में है तो फ्रेंच बोलेगा, अगर घर में जो है उर्दू बोली जा रही तो उर्दू बोलेगा, बंगाली बोली जा रही तो बांग्ला बोलेगा, इसी को उसकी मादरी जबान कहते हैं। तो मादरी जबान का मतलब ये नहीं है कि माँ जो जबान बोलती है वही जबान बच्चा बोलेगा। हो सकता है कि माँ फ्रेंच है और फादर जो है वो पर्शियन है, तो अब वो खाली बच्चा फ्रेंच बोलेगा क्योंकि माँ की जबान फ्रेंच है, तो ऐसा नहीं होता है। मादरी जबान का मतलब उसके माशरे की, उसके घर की जबान, जहाँ पर उसकी परवरिश हो रही है, जहाँ पर उसकी तालीम हो रही है, जहाँ तरबियत हो रही है, वहाँ जो जबान बोली जाती है वो उसकी मादरी जबान या जिसको मदर टंग कहते हैं वो कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक बिग कॉन्सेप्ट है, बीच बीच में मैं थोड़ा सा पॉज लेकर के ये समझाने के लिए या समझने के लिए आप कहिए, क्योंकि आपके साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ चीजों को, कि फ्रांसिस बेकन एक बहुत बड़े उस्ताद रहे हैं, एक राइटर रहे हैं 16वीं सेंचुरी इंग्लैंड में, और वो ब्यूरोक्रेट भी रहे। तो उन्होंने बहुत सारे एसेस लिखे हैं, उनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। अंग्रेजी में जो नस्र लिखी गई उसका उन्हें फादर भी कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि रीडिंग मेक इट ए फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कि पढ़ना जो है वो एक मुकम्मल आदमी बनाता है। आदमी का मतलब यहाँ पर सिर्फ लिटरल मीनिंग आदमी मत लीजिए, मैन का जनरल मीनिंग है कि चाहे वो आदमी हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, वो मुकम्मल तब है जब वो पढ़ना सीख जाते हैं। फिर उसके बाद है कि कॉन्फ्रेंस एक तैयार आदमी बनाता है। कॉन्फ्रेंस का मतलब स्पीकिंग, यहाँ पर आप जाके बोलते हैं, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, कि व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग देन यू आर अ रेडी पर्सन, एनीवेयर यू कैन स्पीक देन यू आर रेडी। तो कॉन्फ्रेंस या स्पीकिंग जो है दैट मेक्स यू रेडी। एंड देन लिखना एक दुरुस्त आदमी बनाता है, यानी एग्जैक्ट मैन, एग्जैक्ट जिसमें कोई किसी तरह की कमी नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है। तो ये तीन जो स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है लिसनिंग, क्योंकि ये तीनों जो है वो लिसनिंग के बिना अधूरी है। तो ज्यादातर हमारा एम्फेसिस आज का जो रहेगा जोर वो लिसनिंग पर ही मैं रहूंगा, और अगर लिसनिंग अगर हमको आ जाती है अच्छे से तो बाकी तीन चीजें बहुत अच्छे से हो सकती हैं। और स्टूडेंट्स को खास करके, क्योंकि वी ऑल हैव टू इम्प्लाई वट एवर नॉलेज वी आर गेनिंग टू आवर स्टूडेंट्स, हम जो कुछ यहाँ पर एक दूसरे से सीख रहे हैं उसे हमें अपने शागिर्दों तक, अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाना है। तो इसलिए ये बात जहन नशी कर लें कि किस तरह से इन स्किल्स को अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचाएं और कैसे उनको एक सिस्टमैटिक वे में ये 4 लैंग्वेज स्किल्स को अच्छे से उसमें महारत हासिल कर पाए, वो तरीका कैसे हम अडॉप्ट करें। मेन इसका मकसद यही है आज के हमारे इस बातचीत का। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बड़े अहम हैं, और इसका बड़ा रोल होता है स्टेटमेंट्स का, कि कोई अगर कोई कहता है, कोई कोट है किसी का, कि किसी की पहचान इल्म से नहीं होती, बल्कि अदब से होती है, क्योंकि इल्म तो इबलीस के पास भी था लेकिन वो अदब से महरूम था। तो ये बात बहुत वाज़ेह है कि इल्म जो है, पढ़ना लिखने का नाम इल्म नहीं होता है जब तक उसमें अदब शामिल ना हो। पढ़ते लिखते तो हम सभी हैं, जो स्कूल नहीं जाता है वो भी कुछ ना कुछ पढ़ ही लेता है, और आजकल सबके पास स्मार्टफोन है तो इतनी अंग्रेजी सबको आती है कि उसमें मैसेजेस लिख दें और चलें। और अब तो इमोजी भी आ गई है, आप लिख नहीं सकते तो आप खाली एक्सप्रेशन एक इमोजी सेलेक्ट करिए और भेज दीजिए, इंसान समझ जाएगा कि आपके जज्बात क्या है। फिर उर्दू के बारे में इन्होंने कहा, ये गुलजार साहब हैं, हालांकि ऊपर नाम जो है वो रेफरेंस गलत दे दिया गया है, किसी और का नाम लिखा हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है। ये मैं नीचे वाला जुमला पढ़ता हूँ कि बड़ी एरिस्टोक्रेसी है जबान में, फकीरी में भी नवाबी का मजा देती है उर्दू। तो उर्दू वाकई में एक ऐसी जबान है कि आप भले ही ऊपर से फकीर हो, माशी हालात से फकीर हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से फकीर हो या गरीब हो, लेकिन जबान बड़ी अमीर है, जबान में एक नवाबियत है, जबान में एक एरिस्टोक्रेसी है। तो ये खैर जबान की अपनी खसूसियात होती हैं, और सिर्फ उर्दू नहीं, हर जबान का अपना एक अलग मजा है। अगर आप बांग्ला देखेंगे तो वो जो बंगाली स्पीकिंग है, जो टैगोर ने गीतांजलि लिखी है या टैगोर ने और जो दीगर तसानीफ हैं, तो वो उसका मज़ा एक अलग है, वो उसमें जबान का मज़ा है। तमिल में अगर आप देखेंगे, तिरुवल्लुवर जब लिखी, तिरुपुराल लिखी तिरुवल्लुवर ने, तो अब जब आप उसको पढ़ेंगे और आपको तमिल आती है तो वो एक मज़ा अलग है। तो हर जबान का अपना एक अलग मज़ा होता है। अब स्किल ऑफ कॉम्प्रहेंशन और स्किल ऑफ एक्सप्रेशन में भी इसको डिवाइड कर दें। अभी मेरे पास 30 मिनट्स और हैं, तो काफ़ी चीज़ें कवर हो सकती हैं। मुझे 3:30 तक गालिबन अपनी बात खत्म करना है, मैं उससे पहले कोशिश करूंगा ताकि थोड़ी बातचीत भी की जा सके। तो स्किल ऑफ कॉम्प्रहेंशन और स्किल ऑफ कॉम्प्रेशन में भी हम जबान की महारत को बदल सक उस पस मंजर में भी देख सकते हैं कि कॉम्प्रहेंशन इसलिए इसको कहा जाएगा कि हम आहंगी की महारत हासिल है, मतलब हम समझ सकें, चीज़ों को हम समझ सकें कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, दूसरे लोगों के जज्बात क्या हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या हैं, उनके ख्यालात क्या हैं। तो वो सुन करके और पढ़ करके हम चीज़ों को समझ सकते हैं, तो हम आहंगी हो गई जबान के साथ। और दूसरा, अब हमारे ख्यालात हैं, हमारे एक्सप्रेशंस हैं, हम जो सोचते हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो थॉट हैं, हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, तो उसके लिए स्किल्स ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी स्पीकिंग एंड राइटिंग, बोलना और लिखना। तो ये दो अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड करके अगर देखें तो एक है इजहार की महारत और एक है आहंगी की महारत। यानी एक तरफ आप समझने के लिए भी तैयार हो। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, खास करके क्लासरूम में, कि एज ए टीचर हम सिर्फ बोलना तो जानते हैं, सुनना नहीं चाहते। हमारे स्टूडेंट्स हमसे अगर सवाल करते हैं तो हम उनको चुप करा देते हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ बस ओनली दैट इज राइट, आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं है, या आप वही सवाल करें कि जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हमारे इस सबक से मुताल्लिक है, और कोई सवाल ना करें। अब कोई बच्चा अगर ये कहे कि उस्ताद जी या सर मैं या मैडम मुझे याद नहीं होता, पढ़ाई में दिल नहीं लगता मेरा, तो अब उस्ताद उसको डांट दे उस वक्त कि भाई ये मौजू नहीं है, ये बात नहीं है, इसके लिए आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप किसी डॉक्टर को दिखाइए। नहीं, टीचर को वो भी एड्रेस करना चाहिए, कम से कम वो बच्चे को सुनने के लिए तैयार हो। कोई भी जबान कोई एक ऐसा मैकेनिस्टिक वे नहीं है कि किसी को आप एकदम एक चीज 6 महीने का कोर्स कराइए और उसका फर बोलने लगेगा, ऐसी चीज नहीं है। बोलना अलग चीज है, कहना अलग चीज है। आप बोल रहे हैं, दैट इज कॉमन टू ऑल पीपल, सब बोलते हैं, यहाँ तक कि परिंदे भी बोलते हैं, शजर भी बोलते हैं, हैवानात भी बोलते हैं, पहाड़ और दरिया और समंदर भी बोलते हैं। ये अलग चीज है कि हम कुछ सुन पाते हैं, कुछ नहीं सुन पाते हैं। समंदर भी कुछ कहता है, ये चांद सूरज सितारे ये सब कुछ ना कुछ कहते हैं, दरख्तों के पत्ते भी कुछ ना कुछ कहते हैं। तो वो बोल तो सब रहे हैं, लेकिन कहना अलग चीज है। जब कहा जाता है तो सुना जाता है, जब कहेंगे नहीं तो सुनेगा कौन? वही चीज है कि हम बोलते हैं, अब खुदा तक हमारी बात क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हम दिन रात बोलते रहते हैं, कहते कुछ नहीं, दिन रात। अब हम में से बहुत सारे लोग हैं, जैसे हर किसी का अपना तरीका होता है इबादत करने का, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, तो वहां हम क्या करते हैं? रिसाइटेशन ही तो करते हैं, चाहे हम मंत्र पढ़ रहे हों, चाहे मुकद्दस कलाम जो है डिवाइन बुक्स हैं, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो गीता हो, उन सब के जो लिखा हुआ है उसको रिसाइट करते हैं। तो ये बोल रहे हैं, हम कह तो नहीं कर पा रहे, कहेंगे तब जब उसके अंदर जो मफहूम है वो हमारे अंदर जज्ब हो जाए, यानी हम आहंगी हो जाए, फिर हम उसका इजहार करें। जैसे नमाज से सिर्फ एक मिसाल लेके आगे बढ़ता हूँ कि नमाज में जब हम पढ़ते हैं तो जो लोग सूर्य फातिहा सभी लोग पढ़ते हैं, और एक उसमें एक जुमला आता है कि अलहमदो क्या है वो, इया कनाबुदू व इया कनस्ताईन। ये मिसाल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो चीज़ आसानी से समझ में आए तो अच्छा है। इया कनाबुदू व इया कनस्ताईन, कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। अब ये बोल तो सब रहे हैं, लेकिन कितने लोग मदद सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, सिर्फ खुदा से, सिर्फ गॉड से मांगते हैं। मदद के लिए तो सारी दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं और सुबह शाम तक बोलते रहते हैं कि हम तुझी से मदद मांगते हैं। तो ये एक मिसाल है इस फर्क को समझने के लिए कि बोलना और कहना दो अलग अलग चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, वही चीज अगली स्लाइड में है जो मैंने अभी बात करी कि हियरिंग क्या है, वो समाअत है कि जिसमें किसी ने कुछ बोला, कोई आपने आवाज सुनी और कानों से वो अंदर चली गई, जहन तक पहुंच गई, नर्वस सिस्टम तक पहुंच गई, एक इंफॉर्मेशन आ गई कि हाँ ये आवाज हमने सुनी, चाहे वो धम की आवाज हो, फट की आवाज हो, या घंटी की आवाज हो, चाहे सड़क पे लोग गुजर रहे हैं, गाड़ियों की आवाज है, लोग बातचीत करते हुए जा रहे हैं, उनकी आवाज है। तो वो सारी चीजें जो है वो समाअत है, वो समा है, वो आपके कानों से अंदर जा रही है। अब उस पर अगर आप ध्यान देने लगे, है ना, सुनना सिर्फ उस वक्त होता है जब लोग मुनज़्ज़म होते हैं और जो कुछ सुना जाता है उसे याद करते हैं। तो अटेंशन पे करना और उसको जहन नशी कर लेना, अपने जहन में उतार लेना, ताकि उसका कोई मायना निकाला जा सके और उसको कहीं इस्तेमाल किया जा सके। तो जो कुछ भी सुन रहे हैं उसमें से अगर अटेंशन पे करें और उसका मायना निकाल लें, ढूंढ लें, इस्तेमाल करें, तो वो लिसनिंग हो जाती है। तो लिसनिंग जो है वो स्किल है, हियरिंग स्किल नहीं है। सुनता तो हर कोई है ना, बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन जब आप ध्यान देने लगे तो वो लिसनिंग, इसीलिए लिसनिंग को स्किल कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि स्किल्स ऑफ लिसनिंग की बात अगर हम करें तो ये तेजी से मैं इस चीज को पढ़ देता हूँ कि स्पीकर का जो मकसद है उसकी शनाख्त करें। अच्छी लिसनिंग कैसे होगी? आइडेंटिफाई द स्पीकर्स पर्पस, कि बोलने वाला जो है उसका मकसद क्या है। तो बच्चों को ये सिखाएं क्लास में कि अच्छे लिसनर तब बनोगे जब जो कुछ कहा जा रहा है उसके मकसद को समझ लो कि भाई ये किस मकसद से कहा जा रहा है। एक तो ये चीज। अब इसको कैसे पैदा करें? आप सब टीचर्स हैं, अपने अपने तौर पर उसके तरीके निकालिए और उसको यूज कीजिए अपने तजुर्बात को। फिर एंटिसिपेट व्हाट इज बीइंग सेड, जो कहा जा रहा है उसका अंदाजा लगाएं, ये बहुत अच्छी चीज है। इंसाइटफुलनेस, कि पहले से अंदाजा हो गया कि ये कहा जा रहा है और ये शख्स आ रहा है, ये हमसे ये कहेगा, ये कहा गया है, इसका मायना ये होगा, है ना। तीसरी चीज है कि मेंटली समराइज व्हाट हैज बीन सेड। अच्छे लिसनर बनने की है स्किल मैं बता रहा हूँ आपको, कि जो कुछ कहा गया उसको अपने माइंड में उसको समराइज कर दें और उसका जो है जहन में, जहनी तौर पर जो कुछ भी कहा गया है उसका खुलासा कर लें। फिर उसके बाद लाइंस के बिटवीन, है ना, कि लिसन बिटवीन द लाइंस के दरमियान सुने। आप में से कुछ लोगों को याद होगा या आपने नाम सुना होगा कुलदीप नैयर का। कुलदीप नैयर इंडियन एम्बेसडर रहे काफी वक्त तक पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में, हिंदुस्तान के, और वो एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े पत्रकार थे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में उनका एक कॉलम आता था, ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, उसका नाम होता था बिटवीन द लाइंस। तो उनके कॉलम का ये नाम होता था बिटवीन द लाइंस। बाद में वो जर्नलिज्म में एक बड़ा मारूफ जो है वो एक जुमला बन गया, एक ऐसी टैग लाइन बन गई कि वो एक जॉनरा बन गया बिटवीन द लाइंस। तो जर्नलिज्म की जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ होता है उसका मायना उससे कहीं ज्यादा होता है। जैसे आजकल बड़े बड़े टीवी चैनल जब अपना एडवर्टाइज देते हैं तो वो एक जुमला बोलते हैं कि खबर के पीछे की खबर हम आपके पास लेकर के आते हैं। तो जो खबर हमें दिखाई देती है असल खबर उसके पीछे होती है। तो ये लिसनिंग की एक बहुत बड़ी एक खासियत है कि जो कुछ लाइंस में लिखा हुआ है उन लाइंस के दरमियान क्या चीज है, क्या मफहूम है, उसको महसूस करें सुनने की और समझने की। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन, यानी फैक्ट्स को फिक्शन से अलग करें कि जो हकायक को अफसाने से मुमताज करें। मतलब जो हकीकत है और जो अफसाना है उन दो चीजों को एक साथ मिक्स ना करें। फैक्ट्स अलग हैं, फिक्शन अलग चीज है। लिसन एप्रिशिएटिवली, क्रिएटिवली एंड क्रिटिकली। जब किसी को भी आप सुनेंगे तो तारीफ, तकलीफ, तनकीद, ये सारी चीजों का ध्यान रखें कि भाई जब आपसे कोई बात कही जा रही है तो बीच बीच में सर हिला दें। जैसे आप में से बहुत से लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनसे जाहिर हो रहा है आपके चेहरों से कि आप कितना अटेंशन पे कर रहे हैं, और कुछ लोगों के चेहरे से जाहिर हो जाता है कि भाई आप बोलते रहिए, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें आपसे ज्यादा आता है। मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा हूँ, ये जब आप क्लास में होते हैं, हम लोग क्लास में होते हैं तो हम अपने स्टूडेंट्स के फेस देख करके ही अंदाजा लगा लेते हैं। टीचर अंदाजा लगा लेता है कि उसका कौन सा स्टूडेंट जो है वो ध्यान दे रहा है, अटेंशन पे कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज का अंदाजा चेहरे से ही लगाया जा सकता है। तो एक अच्छे लिसनर होने की एक खास जो है वो तारीफ ये भी है कि जब कोई बोल रहा है तो उसके साथ हम आहंग हो जाना, उसकी तारीफ करते। तारीफ का मायना ये कि जैसे आप हूँ, हाँ, इसमें सर हिलाते रहें, बॉडी लैंग्वेज से बताते रहें, आंखों के जो एक्सप्रेशन है, चेहरे के एक्सप्रेशन है, उससे चीजों को एक्सेप्ट करते रहें, निगलेक्ट करते रहें। तो उससे बोलने वाले को मालूम होता है कि भाई हमारी बात को सुना जा रहा है। तो अच्छे स्पीकर होने के लिए अच्छा लिसनर होना बहुत जरूरी है। और ये तो शोरा के यहाँ होता है, शायरों के यहाँ होता है कि आपने अपनी गजल सुना ली और उसके बाद आपका फोन आ गया, आप चले गए, तो दूसरा शायर कहता है भाई अपनी गजल सुना ली और हमारे लिए तो बैठे ही नहीं। तो शायर बहुत कम ऐसा होता है कि एक शायर अपने अलावा किसी दूसरे शायर का कलाम सुनने के लिए रुकता है। तो हालांकि वो एक अलग चीज है, उसका कोई अदब से ताल्लुक नहीं है। अब अगली बात करते हैं, बैरियर्स क्या होते हैं। जब हम सुनने की कोशिश करते हैं तो बीच में बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं, बहुत सारे जो है परेशानियां आ जाती हैं। वो उनको बहुत सारी चीजों में यहाँ पर छोटे छोटे जुमलों में मैंने रखा है कि एक तो वरी है, फिक्र है, खौफ है, गुस्सा है, गम है, या जहनी दबाव होता है, कभी कभी डिप्रेशन में इंसान चला जाता है, या इंडिविजुअल बाइस भी होते हैं, कभी कभी इंफरादी तौर पर कोई तासुब है। तासुब का मायना यहाँ पर ये होता है कि पहले से आप अंदाजा लगा लें कि भाई जो शख्स आ रहा है वो बोलेगा तो उसकी तो जबानी खराब है, या उसने तो जो है उर्दू पढ़ी नहीं है, या उसने तो मदरसे में कभी गया ही नहीं है, वो मदरसे में कैसे बोल सकता है, उसने तो कभी अरबी पढ़ी नहीं है, वो अरबी की कवायद नहीं जान सकता, तो वो अरबी पे। तो बहुत सारी चीजें क्लास में जब टीचर जाता है तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे, हाँ, बदगुमानी भी उसको कह सकते हैं कि लोगों के बारे में एक ऐसा एप्रहेंशन रखना कि जो हम नहीं जानते, लेकिन सिर्फ इधर उधर की बातें सुन करके हम एक खाका अपने जहन में बना लेते हैं कि भाई ये शख्स ऐसा, ये शख्स चोर होगा, ये बेईमान होगा, ये काबिल एतबार नहीं है। लेकिन जब उसके साथ मामलात करते हैं, जब उसके साथ बातचीत करते हैं, तब हमें असल शख्सियत की पहचान होती है कि भाई ये तो बड़ा अच्छा शख्स था, इसके बारे में जो हमने सुना था वो तो बिल्कुल गलत बात निकली। तब फिर हमें अब खुद पर अफसोस भी होता है कि यार हमने बताइए, अच्छा हुआ इसके साथ अपने जज्बात शेयर नहीं किए, वरना ये तो हम बड़े शर्मिंदा होते। तो पहले से जो एक खाका, अच्छा कभी कभी उल्टा भी होता है कि आप बहुत एक वो जैसे कहना हवाई किले बना लेते हैं कि भाई ये शख्स जो है वो बहुत काबिल है और बहुत इसकी इमेज है और बड़ा पॉपुलर है और बहुत अच्छा मुकर्रिर है, बहुत अच्छा जो है वो शायर है, बहुत अच्छा मुसन्निफ है। और जब वो बोलने खड़ा होता है तो पहला जुमला बोलते ही आप अंदाजा लगा लेते हैं कि भाई इसका तो तलफ्फुज ही ठीक नहीं है, भाई ये तो बड़ा घबरा रहा है, इस भाई इसके तो जो है कोई कशिश ही नहीं है इसकी आवाज़ में या इसके अंदाज में, या ये जज्बातों को ठीक से पहुंचा नहीं पा रहा है, या ये कह कुछ रहा है, बोल कुछ रहा है और मौजू कुछ और है, बात कहीं और की है, अपनी पर्सनल लाइफ को रख दिया सामने, जबकि यहाँ बोलना कुछ और। तो वहाँ अंदाजा होता है कि भाई हमने तो सोचा था ये बहुत बड़ा मुकर्रर है, बड़ा मशहूर है, बड़ा आलिम है, और यहाँ पर इसके तो ये बोल खुल गई। तो ये दोनों चीजें तासुब में आती है इंफरादी तौर पर, कि ना तो बहुत बड़े अंदाजा लगा लेना चाहिए कि, तो उससे फिर हमारा जहन भटक जाता है। तो एक अच्छा लिसनर होने के लिए आपको बायसनेस से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहिए, और अपने शागिर्द को भी यही बताना चाहिए कि जब भी किसी को सुनो तो बिल्कुल एक क्लियर माइंड के साथ आओ। माइंड में पहले से जो कुछ है उसको रब करके उसको मिटा दो, उसको खाली कर दो, क्योंकि जब माइंड खाली नहीं होगा तो जो इल्म है या जो चीज़ कही जा रही है उसके ऊपर जाएगी। तो इसलिए उसको साफ करना, प्योर करना वो बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी चीज़ें फिर आप। अब ये जो है कि होल बॉडी लिसनिंग, पूरा जिस्म जो है आपका वो सुनता है, सिर्फ कान नहीं सुनते। आपकी आंखें भी सुनती हैं, आपके कान तो सुनते ही हैं, आपका मुंह भी सुनता है, आपके हैंड्स हैं, आपके पाँव हैं, आपका पूरा जिस्म है, ब्रेन है, दिल है। तो हर चीज़ जो है वो कहते हैं ना कि दिल से सुनिए। बहुत से नगमे होते हैं, बहुत से गाने ऐसे होते हैं कि बहुत सी चीज़ें कानों से सुनी जाती हैं, और अगर बहुत सा इस तरह का मौसीकी में ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें आप दिल से सुनते हैं कान के अलावा। जैसे अगर आप कोई कलाम है, कोई तसव्वुफ से मुताल्लिक़ कोई कलाम है, कोई भक्ति संगीत है, कोई भजन है, या कोई नातिया कलाम है, या उसके अलावा कोई सूफियाना कलाम है, तो ये चीज़ें थोड़ा आम लिसनिंग से अलग हटके होती हैं। आप आँखें बंद करते हैं, कमरे की लाइटें बंद करते हैं, पर्दे खींच लेते हैं, हल्का अंधेरा होता है, आराम से बिस्तर पे तकिया लगा के लेटते हैं, और स्लो आवाज़ में आप वो म्यूज़िक सुनते हैं, चाहे वो गुलाम अली की गज़लें हों, चाहे नुसरत फ़तेह अली ख़ान का हो, चाहे अनूप जलोटा के भजन हो, या फिर आबिदा परवीन का कोई वो कलाम पढ़ रही है, कोई सूफियाना। तो इनके लिए एक अलग माहौल होता है। तो ऐसी लिसनिंग जो होती है वो कही जाती है लिसनिंग, योर हार्ट इज़ लिसनिंग नॉट योर माइंड। वो चीज़ जहन में ना जाके सीधे दिल में जाती है। तो लिसनिंग जो होती है वो उसको एक छोटे बच्चे की तरह पालना पड़ता है, उसकी परवरिश करना पड़ती है, और सिर्फ कानों का इस्तेमाल नहीं है, और अज़ाब इसमें इस्तेमाल होते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लिसनिंग की है वो ये है कि सबसे अहम बात ये सुनना है कि क्या नहीं कहा जा रहा है, क्या नहीं कहा जा रहा है। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम वो नहीं सुन पाते कि जो असल में कहा गया, जो नहीं कहा जा रहा वो सुन लेते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और ये नेगेटिव सेंस में होता है, लेकिन पॉजिटिविटी इसकी यह है कि आप फोरसाइटेडनेस हो, कि जो कुछ जुमलों में नहीं बयान किया गया, यानी किसी ने सिर्फ दो जुमले बोले और आपने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई इसका मकसद क्या है। ये है इस बात के कहने का ताल्लुक। अब हाउ टू इम्प्रूव लिसनिंग, तो तीन तरह से हैं। खुलासा सुनना, अब इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, मुझे एक्चुअली दो वीडियो हैं। मैं अभी बात कर रहा था कि जैसे एक लफ्ज़ है उसको किस तरह से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको मैं समझाने के लिए एक मिसाल के तौर पर एक फिल्म भी आई थी पीके, उसमें से एक छोटा सा एक ये वीडियो क्लिपिंग है, 1 मिनट की है, इसको आप ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं इसको चला रहा हूँ। आपका लागत में हमने इस पर नामजद है, और नहीं तो क्या तुम्हारे प्लेनेट की राष्ट्रभाषा भोजपुरी है। अरे हमरे बोली पे तो कोई भाषा नहीं है, माइंड तो कहते हैं और कंप्यूटर नहीं है, यहाँ तो बोलते तो हैं तो मतलब तो नहीं होता। इसी शब्द के चाचा मतलब ऐसे मम्मी रहो और बोलो अच्छा है मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। आज बड़ी कहते बोलो अच्छा है तो मतलब साफ में है। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा कोई गुस्सा आता है तो अलग लॉर्ड हो सकता है, अच्छा हमको सिखा लिया है, अच्छा हम जब सोचते हैं तो लंबा हो रहा है, अच्छा शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पर भी ध्यान देना पड़ता है, तब जाके बात समझ में आती है। सच कंफ्यूजन है पूरा कब बनता लगा हमको, बहुत पूरी सीखना तो अब ये आपने देखा कि किस तरह से किसी एक लफ्ज को जब हम सिर्फ अदायगी का अंदाज जो है वो बदल दें तो उससे मायना बदल जाता है, एक्सप्रेशन बदल जाता है, मायना नहीं बदला एक्सप्रेशन बदल गया। जैसे एक छोटा सा वर्ड है अच्छा को लेकर के आप चार तरीके से बोलिए तो चार डिफरेंट एक्सप्रेशन हो गए। इस चीज को जबान में स्ट्रेस और इंटोनेशन कहा जाता है, अंग्रेजी में स्ट्रेस और इंटोनेशन। तो उर्दू में उसके लिए कोई खास लफ्ज नहीं है, उसको आप ऐसे ही समझिए। इसलिए मैंने मिसाल दी कि किस पे ज्यादा जोर देंगे आप तो मायना बदल जाएगा, और कैसे आप उतार चढ़ाव जबान में लाएंगे तो वो इंटोनेशन हो जाता है। अब एक बिग कॉन्सेप्ट यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो दो कान हैं और जबान सिर्फ एक है, वो किस लिए? उसका जो रूहानी इशारा है वो यही है कि हम सुने ज्यादा और बोलें कम। आगे बढ़ते हैं, अब स्पीकिंग की बात कर लेते हैं, दो चार मिनट और है मेरे पास। स्पीकिंग मेन सोर्स लैंग्वेज का है वॉवल साउंड्स। फिर है साउंड सिस्टम इज यूज्ड व्हेन लैंग्वेज इज स्पोकन। साउंड सिस्टम से मुतालिक जो भी चीजें हैं वो स्पीकिंग स्किल्स में आ जाती हैं, बोलने की जो महारतें हैं। इसमें देखिए ये तीन पॉइंट अगर आप देखें, लिसनिंग एंड स्पीकिंग गो हैंड इन हैंड। जब आप सुनते हैं तो कोई बोल रहा होता है, और जब आप बोलते हैं तो कोई सुन रहा होता है, तो ये दो चीजें एक साथ साथ चलती हैं। फिर स्ट्रेस है, जैसे अभी एग्जाम्पल आपने देखा, और इंटोनेशन है। तो स्ट्रेस कहते हैं कि जब आप किसी लफ्ज पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, किसी पर कम जोर दे रहे हैं, तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। और इंटोनेशन है राइज एंड फॉल ऑफ पिच एंड लाउडनेस। भाई बोलते बोलते क्लास में टीचर एकदम जोर से बोलने लगा, फिर हल्के बोलने लगा, फिर पॉज हो गया, ये इंटोनेशन। तो ये लैंग्वेज की महारतों का हिस्सा है, इस पर अलग एक बहस है। फिर इफेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स क्या हो सकती है, मौसर बोलने की सलाहियतें क्या है, ड्रिल कराएं बच्चों को सेलेक्टिव टॉपिक्स पर, असेंबली स्पीकिंग के लिए उनको मोटिवेट करें, असेंबली में बोलें। फिर इंटोनेशन है, रिदम है, जिसको जो लोग शायरी वगैरह के शौकीन है वो उसको अच्छे से जानते होंगे कि बोलने में एक लय और ताल भी होना चाहिए। और फिर प्रोनंसिएशन है, तलफ़ुज़ है, जंचर है। तो ये चीज़ें हैं, जंचर है जैसे एक लफ्ज़ आपने बोला, वो सुनने वाले ने उसको क्या सुना, तो मीनिंग जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो जो बोलें वो इतना साफ बोलें, लिखें तो खुशकत लिखें। तो बोलने में वही चीज़ है कि तलफ़ुज़ जब हमारा सही होगा तो वही बात सुनी जाएगी जो हम बोलेंगे, और नहीं अगर बोल कुछ रहे सुना कुछ जा रहा है तो मीनिंग अलग हो जाएगा, उससे कंफ्यूजन पैदा होगा। फिर रोल प्ले है, रेडियो टॉक है, डिक्टेशन है, टेलिंग एनेक्डोट्स है, कहानियां सुनाना, और बच्चों से फिर मोटिवेट करना कि आप सुनाएं। पोइट्री रिसाइटेशन, ये बहुत अच्छा तरीका है बोलना सिखाने का। देखिए शायरी या शेर कहने का अंदाज अलग होता है, मरसिया कहने का अंदाज अलग है, नस्र का अंदाज अलग है। तो इसके लिए बच्चों को मोटिवेट करें कि भाई वो कोई गजल पढ़े, वो कोई नात पढ़े, वो कोई नज्म पढ़े, तो उससे स्पीकिंग स्किल को अच्छा किया जा सकता है। डिस्कशन, डिबेट है, मॉक इंटरव्यू है, टीवी टॉक है, ये सारी चीजें क्लास में ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, जिससे स्पीकिंग स्किल को अच्छा किया जा सकता है। अब ये इसकी बात नहीं करते। फिर मैं इधर आता हूँ कि जब ये लास्ट, बस इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये एक शायद 5 मिनट का वीडियो है, इसको आप देखें, जावेद अख्तर का एक वीडियो है, और इसमें वो अच्छे से आपको समझा रहे हैं कि उर्दू के साथ खास मसला क्या है, कि तलफ़ुज़ अगर सही ना हो तो किस तरह से उसके मायने बदलते हैं, और किस तरह से वो जो है जबान असल उसका अपना मकसद पूरा नहीं। इसको सुने आप, बस इसके साथ ही मेरी बात खत्म होगी। पहले तो जरा थोड़ा सा हम लोग हाई हॉल से नीचे आ जाए। एक क्या है कि लोग एक दूसरे की जबान मिसप्रोनाउंस करते हैं, क्या फैसला कर लेंगे। मिसाल के तौर पे उर्दू बोलने वाला प्रदीप बोलता है, प्रदीप नहीं कह सकता, प्रकाश कहता है, प्रकाश नहीं कह सकता, समीता बोलता है, स्मिता नहीं कह सकता। तो मिसप्रोनाउंसिएशन दोनों तरफ है। पहले तो एक बात का ख्याल रखें, अंग्रेजी के सारे लफ्ज कॉलेज नॉलेज बोलते हैं उर्दू में लोग, करेक्ट है ना। तो एक बात तो ये याद रखिए कि मिसप्रोनाउंस आदमी करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं एक शिकायत अब करूंगा हिंदी बोलने वालों से, भाई देखो एक शब्द एक साउंड आपकी जबान में नहीं है तो आप उसे नहीं बोल सकते, बिल्कुल समझ में आने वाली बात। मतलब एक लैंग्वेज है जिसमें जी की या जा की साउंड नहीं है, वो आदमी अगर जिंदगी बोले तो ठीक है, उसकी लैंग्वेज में जा की साउंड नहीं, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो मुझे जावेद साहब क्यों कहता। भाई अगर तुम्हारी लैंग्वेज में जा नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम इस्तेमाल करते हो गलत जगह है। जावेद साहब आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, तो जा तो तुम्हारे पास है, सही जगह पे यूज करो ना, या तो है नहीं। समझ में नहीं आता मतलब एक आज तो वर्ड ऐसा है कि अब मुझे शक हो गया कि मुझे तो गलत याद नहीं। मतलब हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर से लेकर पॉलिटिशियन से लेकर एंकर से लेकर एक्टर से लेकर जैसे देखिए स्पीकर से पब्लिक स्पीकर से लेकर हर आदमी, और इसके बावजूद नहीं है, ये बावजूद है। क्या है इसमें? हर जात के नीचे बिंदी लगा के आप उर्दू नहीं बोल रहे। मतलब मुझे तो यहाँ तक गम उठाना पड़ा है कि एक साहब ने मुझे ऑफर किया, जावेद साहब ये कबाब खाइए। अरे कबाब नहीं है, कबाब है, ये कबाब तो गले से नहीं उतरेगा। तो इस तरह का ये मिसप्रोनाउंसिएशन जो है ये सब लैंग्वेजेस के लोग एक करते हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। और एक उस घबराहट के हम उर्दू बोल रहे हैं तो हर जगह बिंदी लगा दो, ऐसा कोई नहीं। उर्दू में झांकी समझ भी है भाई, मैं जावेद नहीं, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो ऐसा है, उसकी वजह के बेसिक नहीं सिखाए गए। अब देखिए एक तो मुझे लगता है मैं कहीं बाहर गया हुआ था और उस बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सब इंडियन के सिवाय मेरे, मैं बाहर था, कहीं गया था इवेंट में, और एक यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि आज से हम भा को फा कहेंगे। फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, अरे भाई फिर नहीं है, फिर अगेन की साउंड हिंदी में नहीं। मेरे कजन बैठे हुए हैं सामने, नासिर साहब, इन्होंने मुझे एक वाक्य बताया था, ये ना होते तो अपने नाम से सुना था, सामने बैठे हैं तो कैसे बोलूं, मानना पड़ेगा कि इन्होंने सुनाया कि वो किसी की माँ बच्चे की शिकायत कर रही थी। तो जी वो बलून लेके, बलून आप जानती हैं क्या होता है, बलून लेके फुलाते ही रहा, फुलाते ही रहा, फुलाते। मैंने कहा भी कि मत फूंक, मत फूंक, मत फूंक, और जी बलून फट गया। तो सारे फा की जगह फा इस्तेमाल कर रही है। भाई ये क्यों बोलते हैं लोग? फिर ऐसा हुआ, वो फिर आ गई तेरी याद। अब वो गा रहा था लड़का उसमें इंडियन आइडल में, फिर आ गई। तो मैंने उससे कहा भैया ये तो बहुत अच्छा गा रहे थे, सुर में गा रहे, तुम्हारी आवाज भी अच्छी, तुम ये फिर क्यों गा रहे थे? क्या हुआ? कहते सॉरी सर, फिर ये गलती नहीं होगी। तो ये आपने देखा, इसमें प्रोनाउंसिएशन की बात की गई थी। मुझे लगता है कि इसको ज्यादा वाज़े करने की जरूरत नहीं है। ये एक एग्जाम्पल था। मैंने चूंकि जावेद साहब एक जाने मानी हस्ती हैं और खास करके एक शायर भी हैं, तो उनसे बेहतर इस चीज को कौन समझा सकता है। अब मेरे पास सिर्फ 5 मिनट और हैं, 2-3 मिनट में मैं बस ये खत्म कर रहा हूँ कि बॉडी लैंग्वेज स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कांटेक्ट की अगर हम बात करें तो या फेशियल एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, आई कांटेक्ट जो है जब बोलते हैं किसी से तो आंखें जो हैं वो भी साथ साथ बोलती हैं। और दूसरी चीज है फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप देखें तो फेशियल एक्सप्रेशन से ये अंदाजा हो जाता है कि जो कुछ कहा जा रहा है उसका मकसद क्या है और मतलब क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पीकिंग में। ये एक एग्जाम्पल है कि जब लोग बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि ये 6 तरह के एक्सप्रेशंस हैं अक्सर। हैप्पीनेस है, खुशी का इजहार, उदासी है, गुस्सा है, या बेजारी है, या ताज्जुब है, या खौफ है। ये सारे एक्सप्रेशंस आपके चेहरे से जाहिर होते हैं। So when you are speaking something, you are also expressing your inner emotions. ये चेहरे से भी जाहिर होते हैं। जरूरी नहीं कि जबान से ही आप बताएं किसी को हमें गुस्सा आ रहा है, आप चेहरे से ही बता देते हैं और समझ जाते हैं लोग कि भाई आप बड़े गुस्से में। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पीकिंग स्किल का, के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान देना। फिर अगर आप बिग कॉन्सेप्ट की तरफ आए, सम पीपल टॉक टू मच एंड से टू लिटिल, यानी कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं और बहुत कम कहते हैं। ये बात पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, कि बोलने में और कहने में फर्क होता है। अब राइटिंग स्किल्स का बस एक मैं मिसाल ले लेता हूं। आप देखिए कि लिखने की महारत जो होती है वो सिर्फ हर्फ को कागज के ऊपर लिखना नहीं है, उसका मायना भी होना चाहिए, वो दिल में उतरना भी चाहिए, उसका मकसद भी होना चाहिए। जैसे ये दो मैंने एक खत है उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको पढ़ सकते हैं। दुआ को बेअसर जाना है आखिर, बहुत जी कर भी मर जाना है आखिर। एक ये है या एक ये वाला खत है। तो ये लिखने में जो है वो बड़ा असर डालती हैं ये चीजें कि आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कैसे करते हैं। फिर चीजें अंडरस्टैंडिंग राइटिंग स्किल्स, अब इसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। जैसे अभी एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आप राइटिंग और रीडिंग स्किल्स अपने बच्चों में डेवलप करें कि वो अच्छा पढ़ें तभी वो अच्छा लिख पाएंगे। लेकिन अब अगर आप गालिब की बात करें तो ये एक मैंने मिसाल लिया गालिब के खतूत, उन्होंने एक नया जॉनरा ही डेवलप कर दिया खतों किताबत का। तो जब वो लिखते थे तो लग रहा है दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और अभी फिर शम्सुर्रहमान फारूकी साहब तक आते आते कब्जे जमा एक नॉवेला, फिर अभी हालिया में मौत की किताब खालिद जावेद साहब ने लिखी जो जामिया में प्रोफेसर है। तो अब तीनों में अगर आप देखेंगे तो जबान बहुत बदल गई है, लिखने की भी और पढ़ने की भी। तो ये सारी चीजें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें कि वो लैंग्वेज को पढ़ें, अंदाजा लगाएं। तो अपनी बात मैं बस यहीं पर खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही मालूमाती इंफॉर्मेशन हम सबको दिया है। अब मैं तमाम असातिज़ा से गुजारिश करूँगा कि अगर इस मौजू से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई सवाल आपके जहन में उभर रहा है तो सर हमारे पास मौजूद हैं, वो सर बेहतर बताएंगे आपको। सलाम सर। वालेकुम सलाम जी। साहब बोलिए। सर आपने एक जगह कहा, जैसे हम जानते भी हैं कि ज़बान जो है वो अपने ख्यालात का इजहार है जी, तो उसमें एक्सप्रेशन जहाँ आता है तो मेरा सवाल यह है कि एक्सप्रेशन क्या ज़बान है कि नहीं? क्योंकि ज़बान जब हम बोलते हैं तो कोई सुनता है और समझता है, एक्सप्रेशन भी जब हम देते हैं तो कोई समझता है। क्या एक्सप्रेशन ज़बान के दायरे कार में आएगा? हाँ बिल्कुल। देखिए अभी मैंने जो मिसाल दी थी कि वो एक फिल्म से मैंने क्लिपिंग ली थी कि अच्छा लफ्ज को आप चार तरीके से बोलेंगे तो वो असल में एक्सप्रेशन ही है। लफ्ज तो एक ही है, ज़बान तो एक ही है अच्छा, लेकिन उसे आप जोर से बोल दें, हल्के से बोल दें। इसी तरीके से और भी तमाम चीजें हैं कि ज़बान को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने जज्बात का इजहार करने के लिए। नहीं सर, अगर हम बोले ही नहीं, अगर हम सिर्फ चेहरे के एक्सप्रेशन से किसी को समझाना चाहें, जैसे बच्चे को डांटना है तो अपने आंखें निकाल लें चाहे डर जाए, मैंने यहाँ कुछ कहा नहीं, तो क्या ये ज़बान है? हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने पहले ही बताया, ये साइन लैंग्वेज है। इसकी मैंने मिसाल भी दी आपको, ब्रेल वगैरह जो है वो उन लोगों के लिए पहले ईजाद की गई थी कि जो देख नहीं सकते, माजूर है बसीरत की वजह से। लेकिन अब जो लोग सुन भी नहीं सकते वो फिर वो भी पढ़ा रहे हैं, वो भी टीचर्स हैं, स्कूल में ऑडिटरी ऑर्गन्स हैं, उनमें डिफेक्ट हो सकता है। तो ये जो साइन लैंग्वेज है भाई, उसमें भाई आप सोचिए ना हजारों साल पहले इंसान कैसे बातचीत करता था। जबानें तो अब बनी है ना, पिछली मेरे ख्याल से 200 या 300 सदी पहले जबानें आई हैं, उससे पहले तो जबानें नहीं थी। तो ये साइन लैंग्वेज है, बिल्कुल ये जज्बात किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, वक्त हो गया है। सर मैं भी एक तालिब इल्म हूँ तो एक मादरी जबान के ताल्लुक से एक सवाल मेरे जहन में उभर रहा है। अरे सर मतलब बिल्कुल कि उसको क्या किस खाने में रखा जाए? माँ किसी और जबान की जानने वाली है, बाप किसी और जबान का जानने वाला है और रह कहीं और रहे हैं, यानी कि जो समाज है उस जबान से ना माँ ताल्लुक रखती है ना बाप ताल्लुक रखता है। तो इस सूरत में क्योंकि तीन जबानें आ गई है, माँ की जबान अलग है, बाप की जबान अलग है और समाज की जो जबान है वो बिल्कुल इन दोनों जबान से मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ पर ये तीनों को हम जब इकट्ठा पा रहे हैं तो इसमें मादरी जबान का हिस्सा किसके तरफ ज्यादा जाता है, किसके तरफ झुका है? हाँ देखिए ये चीज मैंने अभी बीच में लेक्चर में मैं लाया भी था इसको गुफ्तगू में कि मादरी जबान का ताल्लुक सिर्फ इससे नहीं होता है कि माँ की जबान क्या है, हो सकता है, मैंने मिसाल भी दी थी कि माँ जो है वो फ्रेंच है और फादर जो है वो पर्शियन है, तो अब बच्चे की जबान फ्रेंच होगी या पर्शियन होगी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ पर जिस माशरे में वो बच्चा रह रहा है वहाँ क्या जबान बोली जा रही है वो इम्पोर्टेंट है, उस फैमिली में क्या जबान बोली जा रही है वो इम्पोर्टेंट है। और जबान का ताल्लुक जो होता है वो एक्सप्रेशन से होता है, जबान का ताल्लुक उसकी ग्रामर से नहीं होता है। नोम चॉम्स्की अभी मौजूदा दौर के बहुत बड़े लिंग्विस्ट हैं, वो यूनिवर्सल ग्रामर की बात करते हैं कि बच्चे की अपनी एक ग्रामर होती है, बच्चे की अपनी एक जबान होती है। अब उसे जैसा माशरा मिलता है उसकी जबान वही कहलाती है। इसीलिए हम आज लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहे हैं कि जैसे अगर मुझे अरबी नहीं आती है तो मैं कहीं से भी 6 महीने का डिप्लोमा करके अरबी बोलना सीख सकता हूँ, भले वो मेरी जबान हो। मुझे फ्रेंच नहीं आती है तो आज जो है लैंग्वेज को इसीलिए हम स्किल्स के दायरे में पढ़ रहे हैं कि ये महारतें हैं। नेचुरल जबान तो बच्चे की कुछ भी नहीं होती है, जब वो पैदा होता है तो उसकी कोई जबान नहीं है, वो सिर्फ साइन लैंग्वेज है। जैसे अभी आपका सामने जो सवाल पूछा था तो बच्चे की जबान असल में नेचुरल लैंग्वेज है, लेकिन महारत जब हासिल कर लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप किस माशरे में रह रहे हैं। आपका जन्म हिंदुस्तान में हुआ लेकिन पैदा होते ही आप अगर इंग्लैंड चले गए तो आप जो अंग्रेजी बोलेंगे वो इंग्लैंड की अंग्रेजी होगी, वो हिंदुस्तान की अंग्रेजी नहीं होगी, तो वो जबान आपकी मादरी वो होगी। तो माशरे से ताल्लुक है उसका, माँ या बाप से ताल्लुक नहीं है। जी, और कोई भी साहब जो सर से कुछ सवाल कर सकें। सर लगता है आपको सवाल नहीं आएगा। नहीं, ठीक है, अच्छा है कि लोग उसको ज़हननशीं करें, वो ज्यादा अच्छा है और वक्त भी कम है आज हमारे पास, हालांकि बात अधूरी भी रही। मैं लिसनिंग और स्टेयरिंग तक ही रहा, फिर मौका आपको इंशाल्लाह मिलेगा। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।